आज हमने जो केसेस देखे, कल भी जो केसेस देखे, ठीक है, हमने बगंदर भी देखा, पाइल्स भी देखा, फिशर भी देखा, पेट्रोकोलाइप्स भी देखा। अब लेकिन जो ये फिशर ऐसी बीमारी है जो मरीज को सबसे ज्यादा दुखदायी, कष्टकारी और उसको ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, मतलब वो उसको ओवरलुक करने की स्थिति में नहीं रहता। तो ऐसा फिशर में क्या होता है? सबसे पहले पहला पॉइंट, एनल फिशर इज ए लीनियर और ओवल शेप अल्सर। पहली बात तो क्या क्लियर हो गई कि भैया अल्सर है। अच्छा डॉक्टर साहब बताओ, अल्सर में कौन से एंटीबायोटिक देते हैं? किसी भी अल्सर में पेप्टिक अल्सर में एंटीबायोटिक लाते हो, ब्रेन अल्सर में एंटीबायोटिक लाते हो, माउथ अल्सर में एंटीबायोटिक लाते हो, डॉक्टर साहब उसका बेस्ट ट्रीटमेंट कभी भी एंटीबायोटिक नहीं होता, उसको एनेस्थेटिक एजेंट की भैया उसको रिलैक्स किया जाए, सुप्राल पेट के नाम से, सुप्रा वीओ के नाम से, कुछ लोग डाइजिंग लाके करते हैं, कुछ लोग उसको क्या नाम है लाइट डाइट, नारियल पानी, फ्रूट्स देते हैं, ठंडी चीज, क्योंकि अल्सर पे जैसे कुछ टच करेगा वो सीवियर पेन पैदा कर देगा, अनबियरेबल पेन पैदा कर देगा, लाइक स्टोन, और तब तक दर्द करेगा जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाएगा। सिमिलर स्थिति की होता है, नॉर्मल वुड और अल्सर में यही डिफरेंस है। नॉर्मल वुड अपने आप हीलिंग में जाता है, अल्सर अपने आप हीलिंग स्टेज में एंटर नहीं होता, आपको एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा उसके आसपास कि वो सेटल डाउन हो, शांत हो, तभी ठीक है। ठीक है, आप कभी भी देखिए, हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर पता लग गया उसको कटते अल्सर है तो क्या करते हैं, भैया इसकी डाइट से मिर्ची हटा, नमक हटा, सुकराल फेट पिला, नारियल पानी पिला, ठंडी चीजें पिला, इसके पेट की गर्मी शांत हो सके। अभी क्यों होता है, गर्मी जब ज्यादा बढ़ जाती है, करेक्ट, पेप्टिक अल्सर। इसी प्रकार अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या पड़ा सुबह से, वो भी अल्सरेटिव था ना, ठंडी, उदम्बर क्या होता है, ठंडा, प्रवाल पंचामृत क्या है, ठंडा, मोती मिष्टि से बनी होती है, वेरी, इफ यू टेक मोती इट मीन्स यू गेट वेरी मच कूलिंग इफेक्ट, काम। सिमिलर यहां से अल्सर एस फेमस एपिथेलियम पे ऑन दी डर्म एंड एलिथ्राल डिस्टल टू डेंटेट लाइन अकर्स इक्वली इन बोथ सेक्सेस, मेल फीमेल दोनों बराबर होता है, टेंड टू अकर इन यंगर एज ग्रुप, मतलब जवान लोगों में ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। क्यों होता भाई, फिर आपको एक ज्ञान की बात देता हूं आज बहुत बड़ी, टिल 25 कफ काल होता है, कफ की प्रधानता होती 25 साल उम्र तक, 25 से लेके 55 तक पित्त की प्रधानता होती है, और 55 से लेके फॉरवर्ड एक तो ये कि आपकी बॉडी के अंदर केमिकल एक्शन बहुत फास्ट है, आपकी मस्कुलेचर के अंदर इनफ स्ट्रेंथ है, ठीक है जी, लेकिन स्ट्रेंथ बचपन में भी होती है, लूज थोड़ी रहती है, बचपन में तो ग्रोइंग स्टेज होती है, और स्ट्रेंथ पड़ रही होती है। इस समय पित्त का प्रकोपा आपकी बॉडी में यूजली रहता है, यौवन पीढ़ी का क्यों निकलती जवानी में फुंसिया, कहते खून गर्म हो रहा है तेरी बॉडी में गर्मी, बिकॉज ऑफ द हार्मोन सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टोस्टेरोन की जो सिक्रीशन होती है बॉडी में, सिक्रीशन बनती है, इसकी वजह से क्या साइन होता है, ब्लड बहुत जल्दी इंफ्यूज। हमने तो यही सुना, यही पढ़ा भी, तो डाउट इसके अंदर होम्योपैथिक बैकग्राउंड से थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद को थोड़ा सा दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा, क्योंकि आयुर्वेद को पढ़ा है उनको क्लियरिटी मेरे शब्दों से एक मिनट में आनी शुरू होती है। कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन और मन, करेक्ट, तो मिर्ची क्यों बंद करा दी जाती, मिर्ची खाओगे तो और गर्मी बढ़ जाएगी, ठंडा खाओगे तो बॉडी ठंडक में आ जाएगी, इसलिए क्या फिशर वाले पेशेंट में हमें ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सिट्स बात कराते हैं लेकिन ओरली उसको गर्म चीजें कम कर देते हैं, कहते हैं ना भाई बारिश में दो दिन बाहर का क्या गर्म खा लिया, गर्मी होगी ब्लड आता है, पेशेंट देखो नॉर्मली ये कहते हैं डॉक्टर साहब एक दिन मिर्च ज्यादा खा ली थी, सुबह जो है जलन हो गई, फिशर में क्या होती जलन, खून, तो दोनों कॉमनेस्ट इशू है, कोई और इशू है, सबसे बड़े दो इश्यूज यही है या कोई और है, यही दो इश्यूज है ना,
कि जैसे आप खाओगे आपकी बॉडी में हीट ज्यादा हो जाएगी। तो यहां जो बात चल रही है एक अल्सर की, तो अल्सर मतलब नॉन हीलिंग कैपेसिटी डेवलप होगी है उस पर्टिकुलर मस्कुलेचर पर। अब वो क्यों डेवलप होगी उसको पढ़ते हैं। पहला क्या कहा गया, पोस्टर पेरिनेट डिसेंडेंट कपल विद एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ एनोडर्मा वल्नरेबल टू टीयरिंग। यानी जब आप पट्टी करने बैठते हो एक्सेसिव ज्यादा जोर लगा देते हो फट जाते। हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी है उदमार्ग पे। अब कई लोग देखो जिनकी बॉडी स्लेटी निकलती बट फिशर नहीं होता। ग्रेजुअल इलास्टिसिटी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग से बराबर जब प्रेशर पड़ता है तब पड़ता है। रबड़ एक बार खेचो तो नहीं टूटती, लंबी खेच के ऐसे खेच के रखो टूट जाएगी। एक बार स्ट्रेचिंग नहीं होती, ओवर स्ट्रेचिंग कर दो बहुत ज्यादा कर दो तो भी टूट जाएगी। एक्सट्रीम बॉल पैटर्न हार्ट स्टूल या एक्सप्लोजिव डैमेजा, इसका मतलब या तो बात हार्ट पॉटी आए या बार बार दबादब लैटिंग आए जोर से लगाकर धक्के से लगाकर, तो क्या होता है एनल वॉल रप्चर हो जाते हैं। एनल वॉल रप्चर हो जाते उससे क्या बनाते हैं फीशर। अब अगर फीमेल की बात करें तो भाई ठीक है जी, प्रेगनेंसी में इंटरपाइल्स होते, मैंने आपसे कहा ही था जो भी मिले प्रेगनेंसी में इंटरपाइल्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द बेबी कॉन्स्टिपेशन होता है, फीमेल को स्ट्रेन करना पड़ता है और पाइल्स डेवलप। इडियोलॉजी इंट्रेंसिक स्पिंचर हाइपरटोनिया, बड़ी काम की बात है। इंट्रेंसिक एनल स्पिंचर हाइपरटोनिया यानी जो टोन है किसकी एनल स्पिंचर की वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाने से क्या होगा, अब एग्जांपल डॉक्टर साहब आपसे पूछते हैं टैकीकार्डिया होता है उससे हार्ट में क्या बदलाव होता है, जरूरत से ज्यादा तो ऐसे रोड काम कर रहा है, मसल भी ज्यादा काम कर रही है, करेक्ट आपकी बात। और क्या बदलाव जो मैं समझना चाह रहा हूं जिससे आपको आसान हो जाएगा जितनी ज्यादा वर्क करें, करेक्ट। और क्या होगा सर, कंप्लीट चैम्बर की फिलिंग नहीं होगी, उससे जो ब्लड सप्लाई है वो कॉर्नरी आर्टरी को नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से कार्डिक फेलियर हो जाता है। टैकीकार्डिया ब्लड आया गया आया गया लेकिन हार्ट की कॉर्नरी को नहीं मिला, उससे क्या होगा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी और हार्ट फेलियर में चला जाएगा। यहां पर देखो क्या कहना चाह रहा है, रिलेटिवली टिश्यू एस्चीमिया टोन बढ़ गया, एनोसिग्रेशन कर गई नाइट्रोजन ऑक्साइड की, उससे नुकसान क्या हुआ टिश्यू एस्चीमिया। यानी उस जो टिश्यू को जितना ब्लड मिलना, एस्चीमिया मतलब ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई वो जगह डेड होनी शुरू रहती है एस्चीमिया। आगे क्या बोला, ऑब्सिटी ऑफ ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर रेक्टल आर्टरी पॉज। यहां पर समझने की जो चीज है वो ये है कि इससे क्या होगा, ये आपकी उदामार्ग है एक ऐसे और एक ऐसे, इसे कहते हैं भैया एंटीरियर कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर की कोई बात नहीं कर रहा हूं, पता पुलिस कमिश्नर कहां से आगे बीच में, इसे कहते हैं पोस्टीरियर कमिश्नर। अब ये कहां से होता है, ये पल्वो क्लॉक से लेके स्कॉटम तक या पोस्टर धनबॉल तक, और ये जो 600 क्लॉक वाला होता है ये कहां तक होता है, ये कॉकिक्स तक होता है। ठीक है जी। अब ये जो कमिश्नर है इन कमिश्नर में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है इसीलिए फिशर यहां होता है, क्योंकि ये क्या है जोड़ो है, डायरेक्ट सप्लाई नहीं है इनके बीच में, इसकी यहां तक आएगी इस हिस्से की यहां तक आएगी। देखो आपके तो कूले है, मसल यहां चलती वहां जाके ज्वाइंट हो जाती है बॉडी का, तो इसलिए सीधे चलनी है टर्मिनल पॉइंट। हाँ टर्मिनल पॉइंट है, अगर टर्मिनल पॉइंट में ब्लड सप्लाई कम होगी, अगर यहां जख्म हुआ और यहां जख्म हुआ इसकी हीलिंग डिले हो जाएगी, यही होता है फिशर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हिस्टोरिकल अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, अक्यूट सिम्टम 6 weeks, क्रॉनिक 6 weeks, 6 weeks बट एग्जामिनेशन शोज फीचर्स ऑफ क्रॉनिसिटी। यानी कि अगर कहीं पे भी 6 हफ्ते से ज्यादा हिस्ट्री है तो वो क्या है क्रॉनिक।
हमारा क्या होता है सुपरफिशियल, इसकी पहचान सीवियर प्लेन प्लस माइनस ब्लीडिंग, खून गिर भी सकता है नहीं और नहीं भी, सुपरफिशियल सेपरेशन ऑफ एनोरमा, इसमें सुपरफिशियल ही कट लगता है, डीप कट नहीं लगता, बेस ऑफ द फिशर डज नॉट रीच इंटरनल, ये स्पिंस्टर तक नहीं जाएगा, इसमें सफेद सफेद स्पिंस्टर नहीं दिखेगा, उस लेडी में दिख रहा था, इस लेडी में नहीं दिख रहा। वास्ट मेजोरिटी हिल स्पॉन्डेस थी, बहुत जल्दी आसानी से भर जाते हैं सुपरफिशियल फिशर, ठीक कुछ दिनों में या कुछ वीक्स के अंदर, लेकिन जो डीप फिशर है डीप ऑप्टन विद विजुअल ऑफ पेंटल एनस सिस्टम मिनिमल ग्रैंड टिश्यू एट दी बेस वाइट पियर शेप अल्सर, वाइट पियर शेप अल्सर। अब सर बड़े काम की बात समझने की क्या है, देखो क्या लिखा है, पहचान क्या है इसकी, सेंटिनल पाइल्स या सेंटिनल टैग इस बात का इंडिकेशन है कि ये डीप फिशर है। अब इन दोनों ही फीमेल्स के अंदर सेंट्रल टैग था, इसका मतलब ये दोनों ही कैटेगरी डीप की अपने आप आ गई, खाली एक पैरामीटर पर ही जाना कि भैया अगर हमें फाइल अगर उन्होंने दिखा सिस्टर तो ये सुपरफिशियल है, लेकिन अगर टैग बन गया तो भी ये डीप में कन्वर्ट, ठीक है जी, अगर टैग दिख रहा है बाहर से तो समझ लो डीप है, टैग नहीं दिख रहा तो क्यों, सबसे पहली पहचान। ऑफ्टर प्रोसेस अदर टेंड टू हील विदाउट इंटरवेंशन, कई बार अपना भर जाता है कई बार नहीं भरता, मेरिजल क्रॉनिकली फ्रॉम प्रोलोंगेशन और रिपीटेशन ऑफ द कॉजेस ऑफ सुपरफिशियल एंड फिशर दे मे अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ डीप टियरिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अब लोकेशन है सर, पोस्टल मिड लाइन 75%, एंटर मिड लाइन 25%, ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, अगर फिशर हमारा 600 क्लॉक पर है तो उसका कितना चांस है 12 क्लॉक पे है तो 25% और 75-25 दोनों हो सकता है, चांस है 3%, बट अगर ऐसा ना हो मल्टीपल लोकेशन हो देखना चाहिए कि चोट तो नहीं लगी, टीबी तो नहीं है, सिफिलिस तो नहीं है, एड्स तो नहीं है और कार्सिनो, अगर ये कार्सिनो भी होगा तो भी मल्टीपल जगह कट लग जाएंगे। एनल पेन प्रोडोमिनेंट सिम्टम, पॉटी करते वक्त कुछ मिनट कुछ घंटों और कई बार पूरे दिन तक दर्द रहता है, ऐसा दर्द जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया, मिनिमल ब्राइटनेस और पुरेटिस एनी टाइम यानी कि खुजली, विजुलाइज बाय जेंटल पार्टिंग, कभी भी उंगलीबाजी नहीं करते फिशर में, आराम से बोलो भैया जोर लगाओ बाहर से टच करो कट दिख जाए फिशर की पहचान, फिशर में कभी प्रोक्टोस्कोपी या उंगली नहीं डाली जाती, डायरेक्ट डाल दी तो भाई सब मरीज ऐसे चाटा देगा गाल पे आपका गाल ले जाएगा, उसको बहुत दर्द होगा बहुत चटा सकता, तो ऐसे ही देखते क्या बोला सर, सदर उंगली नहीं डालते कभी वो ऊपर से देखते हैं, वो क्या करते जोर लगा भाई टच करेंगे ऐसे पटक को, देखो क्या बोला जेंटल पार्टी को बटक्स, बटक्स को हिला करते हैं उंगली नहीं करते, आपने उंगली करी दाल पे चाटा नसीब हुआ, उसके बाद से उंगली करना भूल लोगे, आपने उंगली डाल लोगे मुश्किल डालोगे, समझा गई, क्योंकि ये सीवियर पेन करता है सडन जर्क मारता है, इसलिए कभी भी फिशर के बीच मैंने कहा हम चेक कर देना जाओ उंगली जेंटल सॉफ्ट, क्योंकि फिशर में इतना टच करते सीवियर पेन होता है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। फिशर और फीचर ऑफ एक्यूट इलेक्ट्रॉनिक फिशर फोटोस्कोपी सिग्मेटोस्कोपी और लिटर वैल्यू इन एक्यूट सेटिंग व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ सेकेंडरी पैथोलॉजी दीज प्रोसीजर कैन बी अंडरटेकन अंडर एनेस्थीसिया, अपन ने भी क्या किया लोकल लगाया अच्छे से उसके बाद उंगली रखी, अगर ऐसे रखोगे तो मरीज चिल्लाएगा और फोटोस्कोपी तो कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट डायग्नोसिस, देखो क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स जनरली इजीली कंफर्म बाय फिजिकल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कैसे करते हैं सर, ऐसे एग्जामिनेशन ऐसे करते हैं ना, इंस्पेक्शन कैसे की जाती है ये पीछे अगर टच करें तो एग्जामिनेशन होता है ना, तो क्या बोला उसने इंस्पेक्शन नॉट एग्जामिनेशन, बात समझ ना पूरी दर्शन, हाँ बिल्कुल देख के उंगलीबाजी नहीं करनी, इंस्पेक्टर नहीं तो फिर क्या हुआ घर पे बीच पूछे शाम को क्या हुआ
कुछ नहीं मेरी उंगली की तीन मैंने बुरी गलती कर दी, मैं ऐसा हो तो मैं नाराज हो थोड़ा भैया। बीवी कह के लाख सारे सब काम छोड़ दो, तुम बहुत उंगली नाज हो गए हो। हाँ व्हेन द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ, जैसे वो होता ना वो पीके मूवी में उसका, हमने उसका डिजाइन बिगाड़ दिया। तो कोई आपका भी डिजाइन, आप किसी का बिगाड़ो डिजाइन, कोई आपका डिजाइन बिगाड़ के चला जाएगा। और पीके में डिजाइन बिगाड़ना, मोटे आदमी ना हो डिजाइन बिगाड़ देना, फैशन बिगाड़ देना, डिजाइन क्या कहता फैशन बिगाड़ना, फिर वो आपका कोई फैशन बिगाड़ जाएगा। अगर पेशेंट को पेन रहे तो और क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, एक्सिस का होना, फिस्टुला का होना, आईबीएस का होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का होना, एनल कार्सिनोमा का होना, ये भी कारक इन ओल्डर पर्टिकुलरली ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन, ये भी कारण होते हैं गुदा मार्ग पर दर्द के। एटिपिकल फिशर पेनलेस नॉन लीडिंग फर्दर इवैल्यूएशन बाय एग्जामिनेशन पॉसिबल बायोप्सी एंड कल्चर। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट बोथ इन एक्यूट एंड क्रॉनिक फिशर, लगभग पेशेंट के अंदर लोग मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, क्रीम लगाना, सिड्स बाथ करना, ज्यादा पानी पीना, फाइबर खाना, ये एडवाइस है। बट क्या कहा जाता है 50% केसेस में तो रिकवरी होती है, 50% में रिकरेंस हो जाता है, ठीक, जिसमें पेन ब्लीडिंग बनी रहेगी, सेंट्रल अटैक बाद में बन जाएगा। ऐसे पेशेंट में टेनेसनेस रहता, हमेशा दबाव लगेगा, ऐसा लगे कुछ आने वाला है, पॉटी बैठेगा जबकि कुछ आएगा, पेशेंट कहेगा जी हमेशा ना खिंचाव सा रहता है, एक अजीब सी, हमेशा ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कुछ खिंच रहा है, टेनेसनेस। इसके लिए मैंने पहले क्या बताया कि मुस्ता मुस्ता लक्ष्मण एक सुबह एक चम्मच सुबह शाम ये टेनेसनेस ठीक कर देगा, ठीक है। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं है जो इस टेनेसनेस को ठीक कर दे, 1,00,000 लिख के देख लेना। मुस्ता रेडीमेड मिलता है या पाउडर आता है सर? मुस्ता मुस्ता दोगे तो टेनेसनेस ठीक हो जाएगा, ठीक है सर। की डोजेस कैसे होते हैं? एक चम्मच सुबह शाम, थ्री चम्मच, 1 teaspoon मॉर्निंग एंड इवनिंग मुस्ता, वाइट बिफोर आफ्टर में एनी फॉर्म। अब है ऑपरेटिव, ऑपरेटिव जहां पर सेंट्रल पाइल सा सर्जरी इंडिकेशन है, पहली बार फैसला हो गया, यानी सेंट्रल पाइल दिखे इस पर इलाज दवाई से गोली से देगा। मैंने देखते उसमें इसको क्या कहता भाई, अब ये गोली और बंदूक से बाहर हो चुका है, अब तो उसमें सर्जरी ही करनी पड़ेगी। क्या कह रहे थे को बात समझने की, सर्जिकल एक्सीजन ऑफ एसपी, यानी अगर आपने सर्जिकल एक्सीजन करके क्या नहीं निकाला, सेंट्रल पाइल से निकाला दोबारा, समझ आ गया, यानी कि उसको काटना अति आवश्यक है। फाइबर्स फॉर रिलीफ सिम्पटम एंड ऑफर्स गुड हीलिंग, जैसे कटेगा वो हीलिंग बढ़ा देगा। ये भी तरीके का समझ लीजिए, वो है वो बना हुआ है सर्किट, काट दोगे सप्लाई चेन चैनलाइज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी और हीलिंग में चला जाएगा, नहीं तो हीलिंग में जाएगा। इसलिए दोनों क्वेश्चन हमने क्या किया, क्लियर हो गया। Has been described initial mode of treatment causes lack of behavioral changes. अच्छा नॉन ऑपरेटिव में क्या है भैया, डायट्री एडवाइस है, मेडिकेशन है, बायोफीडबैक है, पैनल सपोर्ट है, मैनुअल है, मॉडिफाइड टॉयलेट है, कुआलालंपुर वाली सिड्स बाथ है, ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट है। ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट में एनेस्थेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक लोग प्रयोग करते हैं, देन लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइलोकेन का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन का प्रयोग करते हैं और एस्कोलिन का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्लेमेटिन सल्फेट का भी लोग प्रयोग में आते हैं। अब आते हैं एनआईएस जो आपने किया आज, देखो समझने की बात, ये तो सिम्टम हो गए, आप 6 हफ्ते लगेंगे 90% हीलिंग में अगर दवाई लगाते रहोगे तो, और 85% एनआईएस में सेम डे है। मतलब सर मैं यही बात में क्या कहना चाहता हूं, अरे 85% एनआईएस में आ गया हीलिंग रेट और वरना 6 हफ्ते लगेंगे, अरे मतलब क्रीम लगाते रहोगे तो 6 हफ्ते बाद आएंगे, पर एलआईएस में 3 मिनट, ये फायदा एलआईएस का। इसके अलावा 2% डीटीएसएम का भी प्रयोग करते हैं अगर किसी को पेन ज्यादा हो, नोट कर लो भैया 2% डीटीएसएम, डीटीएसएम क्रीम आती है उसी क्या होगा टोन कम हो जाएगी मसल टोन, अरे हार्ट में हार्ट बीट बढ़ते क्या करते हैं डीटीएसएम देते हैं ना,
बीपी की दवाई नहीं, साफ ये टैकीकार्डिया की दवाई, ठीक है नहीं? आपको अभी क्या मसल टोन बढ़ी हुई है ना, दिल का धड़कन देखिए मसल टोन शांत हो जाएगी क्रीम में और पेशेंट की पेन की फ्रीक्वेंसी ये और भी दवाइयां हैं जो बहुत से लोग यूज करते हैं। बोटोक्स का इंजेक्शन माइल्ड इनकॉन्टिनेंस टू प्लेटलेट्स स्टूल दैट इज शॉर्ट लिव्ड रिजॉल्व्स क्रोनिसी पेरिनेमल हेटोमा पेन एंड सेप्सिस, ठीक। अब अलाइस ऑक्सीजन ऑफ एसपी फाइबर्स अलाइस ओपन और क्लोज मेटर, मैंने आपको आज क्लोज मेटर दिखाया था और ओपन किया गॉज पीस भर गया, क्लियर हो गया? पता लग गया दो मेथड है क्लोज एंड ओपन, आपने कह दिया क्लोज मेथड, ठीक। रिकमेंड करता है सर्जिकल ट्रीटमेंट चॉइस रिफ्रैक्टरी इन फिशर के अंदर, और अगर रिकरेंस हो गया किसी को तो उसके ऑपोजिट साइड फिर से अलाइस करना, तीन पे किया तो नौ पे करना अगर किसी को रिकरेंस हो जाता है तो, जबकि 90% हीलिंग रेट देता अच्छा रहता है, ठीक है। एक टिपिकल फिशर की अगर हम बात करें, जैसे एटिपिकल कौन से हुए, क्या हुए एटिपिकल, बता समझाओ टिपिकल और एटिपिकल काम कहा होते हैं बताओ। टिपिकल जो 690 और एटिपिकल अगर 6 और 12 पे है तो ये टिपिकल कैटेगरी है, यानी ये फिशर है प्रॉपर वाला, इसमें क्या नहीं है, टीबी नहीं है, क्रोन डिजीज नहीं है, फिस्टुला नहीं है, कैंसर नहीं है, लेकिन अगर 6 और 9 के अलावा 6 और 12 के अलावा कहीं पर भी कट लग जाए तो ये क्या है एटिपिकल। इसके लिए क्या बताया भैया, अमंग क्रॉन पेशेंट एंड पैथोलॉजी लीडिंग टू सिम्टम आइडेंटिफाई 42%, ऐसे पेशेंट के अंदर करना क्या चीज चाहिए, ऐसे के अंदर पहले आपको उसकी प्राइमरी डिजीज ठीक करनी पड़ेगी, अगर टीबी की वजह से तो टीबी ठीक होगा, क्रॉन्स की वजह से क्रॉन्स ठीक होगा, कैंसर की वजह से कैंसर ठीक होगा, तब पेशेंट हीलिंग में जाएगा, वरना पेशेंट हीलिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एनल फिशर। हम लगाएंगे सर्जरी फाइल्स की,